होप एवरीवन इज सेफ एंड हेल्दी। माय नेम इज मीनाक्षी जैना एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पेट मीनाक्षी। सो आई डू वीडियोस रिलेटेड टू फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल रिव्यूज। सो इफ एनी ऑफ द टॉपिक इंटरेस्ट्स यू प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इट्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। तो रक्षाबंधन इज राउंड द कॉर्नर एंड आई एम श्योर कि आप यू नो अपने वार्डरोब से फाइट कर रहे होंगे कि कुछ ना कुछ मिल जाए मुझे ऐसा कि मैं दोबारा पहन सकूं या फिर यू नो मिक्स एंड मैच करके पहन सकूं, है ना। आई एम श्योर ये आप जरूर कर रहे हो या फिर आप ये ऐसा सोच रहे होंगे कि कुछ नया खरीद लूं। सो इन केस आप कुछ नया खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट राखी आउटफिट। जो भी आउटफिट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ऑल ही यू नो दे ऑल आर मिनिमल। व्हाई? बिकॉज रक्षाबंधन में यू नो हम बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसेस कैरी करना पसंद नहीं करते हैं एंड ऑल्सो आई हैव एन इटर्नल लव फॉर साड़ीज। तो बेसिकली आपको मेनली इस वीडियो में साड़ीज देखने को मिलेंगी बहुत सारी और दूसरा एक गाउन भी है। आई ऑल्सो शो यू हाउ आई एक्सेसराइज ऑल ऑफ दीज साड़ीज गाउन्स। तो आपको यू नो एक काइंड ऑफ लुकबुक भी देखने को मिल जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा इससे कि किस तरह के एक्सेसराइज आप यू नो मतलब एक्सेसरीज आप इस आउटफिट्स के साथ इन सभी आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। जल्द ही मैं एक राखी का मेकअप ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें कि आपको यू नो एक इजी ब्रीजी गेट गॉर्जियस सा लुक देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नो व्हेनेवर आई पोस्ट that video you'll be updated with that video. All of these outfits are from Meesho and Amazon. तो सब जिनका भी links and codes जो भी available है वो मैं नीचे description box में दे दूंगी आप। Some another useful videos जो कि you know मेरे channel पे already uploaded है मैं उनके भी link नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू नो इट विल बी इजियर फॉर यू टू चूज आउटफिट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। साड़ीज हैं, कुर्ती प्लाजोज का है, ज्वेलरीज का है वीडियो मेरे पास, तो यू नो मैं वो भी लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेक श्योर यू चेक दोज वीडियोज ऑल्सो। फर्स्ट साड़ी इज दिस ब्यूटिफुल रॉयल ब्लू व्हाइट रेड कलर के कॉम्बिनेशन का साड़ी। बात करें इसके मटीरियल की तो जो इसका मटीरियल है काइंड ऑफ कॉटन सिल्क है। ये जो इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन था कि ये हैंडलूम प्रिंट साड़ी है एंड दिस इज इक्कत साड़ी, बट नो दिस इज नॉट एन इक्कत साड़ी। इसकी कॉपी हो सकती है, मे बी इट्स अ कॉपी, ऑब्वियसली इट्स अ कॉपी, बट यू नो ये रियल इक्कत साड़ी नहीं है। बात करें इस साड़ी की लेंथ की तो अप्रोप्रिएट लेंथ है इस साड़ी की। ऊपर जो है मतलब ऊपर जो पोर्शन आएगा उसमें ये पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है। रेड कलर का जो बॉर्डर है वो इतना ही है विड्थ में, बाकी ये जो गोल्डन वाला बॉर्डर अलग से दिया हुआ है, ये वर्क जो हुआ हुआ है यहाँ पर ये पतला है। और नीचे का जो है बॉर्डर उसमें इस तरीके का बॉर्डर रेड की उतनी ही है, बट यू नो ये पूरे में ये गोल्डन वर्क है और रेड कलर के बेस में। सो या डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन था कि इसमें हैंड प्रिंटेड है, बट दिस इज नॉट हैंड प्रिंट, मतलब बिल्कुल भी हैंड प्रिंटेड नहीं है, डिजिटली प्रिंटेड इसमें प्रिंट्स हैं। ये एक काइंड ऑफ लुक देने की, हैंडलूम लुक देने की यू नो कोशिश की गई है इसका साड़ी का, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक देता है ना। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है ये, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इसको पहन के, अच्छा सा लुक आता है। आप यू नो रिव्यू में ट्राई ऑन रिव्यू में आप देख ही पा रहे होंगे। बात करें इसके पल्लू की तो इस तरीके का कुछ पल्लू है, सेम है इस तरीके का, मतलब प्रिंट्स इसमें अलग है और इस तरीके का कुछ दिखता है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइट ब्लू कलर का साड़ी। You can see इसके मटेरियल की बात करें तो इट्स मटेरियल इज शिफॉन, बहुत ही लाइट वेट मटीरियल होता है शिफॉन और बहुत ही इजीली हम इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही मतलब एकदम इतना हल्का होता है ना कि आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हैं और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने साड़ी पहना है, बहुत हैवी हैवी सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। तो दिस इज बेस्ट साड़ी यू नो शिफॉन की साड़ी, बहुत ही लाइट वेट है एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टाइप ऑफ साड़ीज। इस साड़ी की प्रॉपर लेंथ है यू नो 5.5, जो लिखा हुआ है इट इज 5.5 मीटर साड़ी। ये पूरी साड़ी ऐसी की ऐसी प्लेन ही है, इसमें कुछ भी प्रिंट वर्क कुछ भी नहीं है। तो पल्लू में भी यू नो ये ऐसा ही प्लेन ही है सिंपल, आप रिव्यू में ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे। तो ये पूरी प्लेन ऐसी ही साड़ी है। पूरे ही साड़ी में आपको नीचे यू नो इस तरीके का ये गोल्डन वाला लेस लगा हुआ मिलेगा आपको पूरे ही, पूरे के पूरे साड़ी में आपको ये ऊपर से नीचे मतलब पूरे रेक्टेंगुलर साड़ी में आपको ये पूरा पतली सी लेस देखने को मिले। एक्चुअली मैंने ये साड़ी उसी पर्पज से ली थी कि मालदीव्स में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि ब्लू पानी में ब्लू ब्लू साड़ी में यू नो
पिक्स खिंचानी है मुझे. सो या दिस इज बेसिकली द ब्लाउज पीस. ये यू नो मटेरियल आता है, ये ब्रोकेट का मटेरियल है इसके ब्लाउज पीस का. तो इसके साथ ये इस तरीके का ब्लाउज पीस मिलता है, मैंने इसको स्टिच करवा लिया है. तरीके का स्ट्रैपी ब्लाउज मैंने इसको स्टिच करवाया है, आप रिव्यू में देख ही रहे होंगे ये किस तरीके का दिखता है. सो यार दिस इज ऑल अबाउट दिस साड़ी. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल पर्पल कलर का साड़ी. यू कैन सी, बात करें इसके मटेरियल की तो जो इसका मटेरियल है वो इट्स अ जॉर्जेट. और ये यू नो आप देख सकते हैं एक प्लीटेड साड़ी है. आजकल बहुत ट्रेंड में है प्लीटेड साड़ी, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, आराम से 5 मीटर की साड़ी है. ये लेंथ इसका एकदम अप्रोप्रिएट है. पूरी साड़ी ऐसी प्लेन ही है, कोई बॉर्डर या कुछ ऐसा कुछ भी लेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये यू नो ब्यूटिफुल सा बांधनी का प्रिंट है इसपे. बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच काइंड ऑफ साड़ी. बहुत ही कैजुअल लुक येट अ गॉर्जियस लुक आपको प्रोवाइड करता है इस टाइप का साड़ी. प्री ही प्लेन साड़ी है तो पल्लू इसका कुछ अलग से है नहीं. यू नो पल्लू में भी ये पूरा मतलब ए टू जेड ये साड़ी कुछ ऐसे ही दिखती है, आप रिव्यू में देख पा रहे होंगे. सो या इसके साथ जो ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था वो ये है. मतलब ये मैंने स्टिच करवाया है, ये इसका कपड़ा आया था एक्चुअली, ये व्हाइट कलर का ऐसा कपड़ा आया था तो मैंने इसको ऐसा स्टिच करवा लिया है. यू नो स्लीवलेस, आई प्रेफर स्लीवलेस ब्लाउजेस, तो मैंने इस तरीके से इसका यू नो मतलब स्टिच करवा लिया है. इसका मटेरियल की बात करें तो आप इसका मटेरियल देख सकते हैं, कॉटन सिल्क है. एक मतलब अच्छा सा शाइन इसमें, एक ग्लेजी ग्लेजी सा शाइन आता है. काफी अच्छा लुक है, मतलब एकदम अच्छा सा लगेगा आप पहनेंगे ना इसके साथ. आप रिव्यू में ऑब्वियसली देख ही पा रहे होंगे कि मतलब एक ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है. सो या नेक्स्ट साड़ी इज दिस ब्यूटीफुल पिंक पर्पल येलो कॉम्बिनेशन में येलो काइंड ऑफ साड़ी है. बात करें इसके मटेरियल की तो जो इसका मटेरियल है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन था, इट इज बनारसी सिल्क. बट ऑब्वियसली इट इज नॉट रियल बनारसी सिल्क, बट हाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये इसका जो कपड़ा है बहुत ही एक अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत ही एक अच्छा सा लुक देता है. यू नो काफी अच्छी खासी लेंथ है इस साड़ी की, 5.5 मीटर, पूरा पक्का 5.5 मीटर है. और अच्छे से प्लीट्स आप यू नो इसमें अच्छे से प्लीट्स कर सकते हैं. ऊपर और नीचे सेम बॉर्डर पैटर्न है, आप देख सकते हैं इस तरीके का यू नो सिल्क सिल्क चमकता हुआ सा बॉर्डर है. गोल्डन थ्रेड वर्क हुआ है पूरा ये पूरा. हाँ इस साड़ी में पूरा थ्रेड वर्क है, ये जो भी है ये पूरा थ्रेड वर्क है. पूरे ही साड़ी में इस तरीके का आपको यू नो थ्रेड वर्क देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. बात करें इसके पल्लू की तो इस तरीके का यू नो थोड़ा सा इसका ये पल्लू का पार्ट दिया हुआ है जो कि इस तरीके का दिखता है. कॉन्ट्रास्ट में ये इस तरीके का पल्लू दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट पर्पल में. दिस साड़ी इज वेरी रक्षाबंधन एप्ट. वाई? बिकॉज यू नो एक काइंड ऑफ अच्छा सा लुक भी आ जाएगा और बहुत हैवी भी नहीं है. इस साड़ी के साथ मुझे इस तरीके का ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था, अगेन इट वॉज अ मटेरियल. मैंने इसको स्टिच करवा लिया, कुछ इस तरीके से दिखता है ये इसका ब्लाउज. मतलब मैंने ये इस तरीके से स्टिच करवाया है इसको, 3/4 स्लीव्स रखी है. मैंने यहाँ रिव्यू में आपको जो पहन के दिखाया, मैं जनरली यही पहनती हूँ इसके साथ ब्लू कलर का, क्योंकि एकदम से उसका जो लुक है, एकदम से जो उसका लुक है वो एकदम से यू नो इन्हांस कर देता है साड़ी का, जो वो ब्लू कलर का ब्लाउज आप देख रहे होंगे रिव्यू में प्रोबेबली. तो या दिस इज ऑल अबाउट दिस साड़ी. ब्यूटिफुल नेवी ब्लू कलर का साड़ी. बात करें इसके मटीरियल की तो द मटीरियल इज मलमल कॉटन साड़ी. बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है ये, इतना अच्छा यू नो ड्रेप हो जाती है ये साड़ी और बहुत ही एक अच्छा सा मतलब ब्यूटिफुल सा लुक आपको देती है ये साड़ी. बहुत मुझे तो इतना मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट साड़ी एंड बेस्ट परचेज आउट ऑफ मतलब मैंने आज तक जो भी साड़ीज ली है ना, मेरा सबसे फेवरेट यही साड़ी है. वाई? बिकॉज इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, आप पूरे दिन इसको कैरी करिए, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मैंने बहुत हैवी साड़ी कुछ पहन रखी है या समथिंग लाइक दैट. इस साड़ी की लेंथ भी एकदम अप्रोप्रिएट है, काफी अच्छी भली इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी. सो यू नो इजिली आप इसमें प्लीट्स कर सकते हैं, अच्छे खासे प्लीट्स भी इस साड़ी में बन जाएंगे.
पूरे साड़ी में बॉर्डर्स पे यू नो ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके का बॉर्डर है, सेम पैटर्न है इस बॉर्डर का और ऊपर नीचे यही विड्थ की ये पूरी बॉर्डर दी हुई है। पूरे ही साड़ी में इस तरीके का यू नो ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। बात करें इसके पल्लू की तो जो इसका पल्लू है कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, आप प्रीव्यू में भी देख पा रहे होंगे जस्ट द डिफरेंस इन प्रिंट्स। इस साड़ी के साथ जो मुझे ब्लाउज पीस रिसीव हुआ था, जब मैंने ये फॉल पीकू करने के लिए दिया था तो यू नो काइंड ऑफ मिसप्लेस हो गया, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो आई कांट शो यू दैट राइट नाउ। ये साड़ी मैंने मीशो से परचेज की है, तो इसके साथ आने वाला जो मतलब ब्लाउज पीस दिखाया है इन्होंने उसका एक पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी कहीं पे भी यहाँ कहीं, सो यू नो यू विल गेट अ रेफरेंस कि किस तरीके का ब्लाउज पीस आता है इसके साथ। गाउन व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि एक गाउन भी है, सो दिस इज बेसिकली द गाउन, आप देख सकते हैं इस तरीके का गाउन है। इस गाउन का रिव्यू मैं आपको ट्राई ऑन करते करते देती हूँ। इमेज में जैसा दिख रहा था यू नो ये काइंड ऑफ वैसा ही दिखता है, लुक वैसा ही है आपको यू नो ये मैंने सेमी स्टिच्ड परचेज किया था, मैंने इसको इस तरीके से यू नो स्टिच करवाया है, मतलब नेक पैटर्न तो ये इसका ये फिक्स रहने वाला है, पीछे आप गले में कुछ भी करवा सकते। सो दिस इज द ब्यूटिफुल प्रशियन कलर गाउन, इट्स कलर इज मेकिंग दिस गाउन स्टैंड आउट। एक्चुअली मुझे इसका कलर नहीं पता चल रहा है, तो आई एक्चुअली लिटरली गूगल्ड इट्स कलर, यू नो इट्स प्रशियन ब्लू। बात करें इसके मटेरियल की तो जो इसका मेन मटेरियल है वो नेट का है, इतना कुछ खास नेट नहीं है, एंड अंदर का यू नो ये जो मटेरियल है ये लाइनिंग जो दी गई है इट्स मटेरियल इज सिल्क ब्लेंड बेसिकली। सो माय हाइट इज 5 feet 2 inches, सो यू कैन सी यू नो ये मुझे कहाँ तक लेंथ में आ रहा है, ऑलमोस्ट फ्लोर लेंथ ही है। एक्चुअली मैंने 4 inch की हील्स पहन रखी हुई है इसीलिए ये यू नो फ्लोर्स के ऊपर दिख भी रहा है, अगर हील्स उतार दूं तो यू नो फ्लोर टच हो ही जाएगा। इस पे जो वर्क है ना वो सब ऑलमोस्ट थ्रेड एंड सीक्वेंट वर्क है, एंड ये नीचे वाला जो पोर्शन है मतलब बेसिकली जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो उसमें काफी हैवी वर्क है यू कैन सी, तो जो ये सीक्वेंस लगे हुए हैं ना वो भी मतलब उस कलर के हैं, डार्क ग्रे कलर के हैं, तो जिसकी वजह से एकदम कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट हो रहा है। सेमी स्टिच्ड है सो ये यू नो नेक का इसमें पैटर्न यू गोल ही रहेगा, एंड पीछे आप कुछ भी इसमें अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। स्लीव्स पे भी सेम ऐसे ही थ्रेड एंड सीक्वेन का वर्क है, बहुत प्रीटी लग रहे हैं और इसके ये स्लीव्स बहुत ही मस्त लग रहे हैं। सो जस्ट फॉर नाउ मैंने ये अनारकली सूट जो है एंकल ब्लैक लेगिंग्स के साथ पेयर किया है, जस्ट बिकॉज मैंने इसका जो बॉटम वेयर है भी स्टिच नहीं करवाया था, जस्ट बिकॉज इसीलिए। सो या सो इस गाउन के साथ ये दुपट्टा और ये एक मटेरियल रिसीव हुआ है जिसका आप यू नो बॉटम वेयर बना सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ बॉटम वेयर दुपट्टा गाउन अनारकली सेट। दुपट्टा इसका पूरा नेट का है, पूरा अच्छा खासा यू नो लेंथ है, मतलब आप ऐसे छोटा छोटा सा नहीं दिखेगा, और विड्थ भी इसकी अच्छी खासी है तो ये अच्छा लुक देने वाला है आपको। इसके पूरे बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे रिव्यू में ये इस तरीके का लेस लगा हुआ है और ये इस तरीके का है कुछ। सो ये गाउन सेमी स्टिच आया था तो इट वॉज ईजी, मतलब थोड़ा जल्दी मैंने इसको स्टिच करवा लिया सो दैट यू नो मैं पहन के देख सकूं कि मैं राखी में पहन सकती हूँ या नहीं, तो या इसलिए मैंने ये स्टिच करवा लिया। मैंने इसका बॉटम वेयर अभी स्टिच नहीं करवाया है, बट यू नो एज अ स्कर्ट या फिर प्लाजो या फिर स्ट्रेट पैंट आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको स्टिच करवा सकते हैं, इतना अप्रोप्रिएट लेंथ है इसमें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ हेल्पफुल और यूजफुल टॉपिक के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली टू। ऑल्सो अ वेरी 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 हैप्पी रक्षाबंधन।